सुबह सुबह उठ के देखा तो बेचारी महारानी नीचे लेटी है। वो डाकू जुपिटर ने प्लूटो के सोफे पर कब्जा कर लिया है। वो देखो कैसे शहंशाह आलम की तरह लेटा है और महारानी भी उठ गई है। और हमारी महारानी अंगड़ाई लेते हुए सुबह सुबह कितना खुश है। फिर प्रिंसेस और जुपिटर भी उठ जाते हैं। वो देखो प्लूटो को महसूस हो जाता है जब भी मैं इसको छोड़कर जाने वाला होता हूँ। फिर चिली पटेटो को खाना वाना खिलाकर घर आता हूँ। दो तीन दिन अब मम्मी सभी टीम का ख्याल रखेंगी क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल दादाजी को लेके। वो देखो ये कैसे बाय बाय बोलने आया है मुझे। आपको पता ही होगा मेरे फादर को कैंसर था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने अपनी कुछ जिंदगी हॉस्पिटल में ही गुजारी है, लेकिन अब फिर से वही जिंदगी देखने को मिल रही है। अब दादाजी को भी फेस के साइड में ट्यूमर हो गया है, तो आज दादाजी का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर सब डॉक्यूमेंटेशन करा के दादाजी के कुछ टेस्ट होते हैं। फिर दादाजी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। फिर तब तक हम बाहर इंतजार करते हैं। पूरे 4 घंटे दादाजी का ऑपरेशन चलता है। फिर उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। फिर शाम को उनको होश आता है तो उनसे मिलने जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिनट। थैंक यू।